दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे और मुंबई युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जीशान सिद्दीकी ने अपनी राजनीतिक यात्रा का नया अध्याय शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने जीशान सिद्दीकी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसके बाद जीशान सिद्दीकी की बांदवा ईस्ट विधानसभा सीट पर एमवीए में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी ने अपना कैंडिडेट भी उतार दिया था। इस घटनाक्रम के बाद अब जीशान सिद्दीकी ने अपना अलग रास्ता चुन लिया है और पिता की तरह अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए हैं। जीशान सिद्दीकी आज सुबह ही मुंबई में एनसीपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अजीत पवार गुट की पार्टी का दामन थाम लिया। खुद अजीत पवार ने जीशान सिद्दीकी का स्वागत किया और पार्टी की सदस्यता भी दिलवाई। साथ ही एनसीपी ने उन्हें टिकट भी थमा दिया है। एनसीपी ने 2024 के महाराष्ट्र चुनाव के लिए बांदवा ईस्ट सीट से जीशान सिद्दीकी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। It's an emotional day for me and my family, and I'm thankful to Ajit Pawar Dada, Praful Patel ji, Sunil Tatkare ji for believing me in these tough times. And I have got the nomination from Bandra East, and I'm sure that with the love and support of all the people, I will definitely win Bandra East yet again.